बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ यू गाइस डूइंग? आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। और जो बीमार अल्लाह ताला ने सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जो परेशान अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। और आज हम लोग आए हैं गैलरिया मॉल। एक्चुअली यहाँ पर स्पेशली आए हम लोग सिर्फ अपना जो फ़ोन था उसको ठीक कराने के लिए, वो लॉक हो चुका था, कुछ गड़बड़ हो गई थी मेरे हस्बैंड के फ़ोन में, तो आईडी जो थी वो अनलॉक नहीं हो रही थी, तो उसके लिए आज स्पेशली यहाँ पर आए थे। और जब हम लोग इनसाइड गए तो वहाँ पर काफ़ी रश था, और फिर उन्होंने हमें टाइम दिया, तो इतने टाइम के लिए जब तक फिर हम लोग अपना टाइम स्पेंड करने लगे अराउंड द मॉल, कि काफ़ी टाइम था, एक आध घंटा उन्होंने दिया था एक्स्ट्रा में। फिर हमने कहा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जब तक घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इस मॉल में। और फिलहाल तो अभी हम मेन सेक्शन के साइड पर आए थे, से फिर हम निकल कर क्रॉकरी साइड पर आए। यहाँ पर बहुत ही प्यारी क्रॉकरी लगी हुई थी, तो मैंने थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बनाई, मुझे बहुत अच्छी शॉप लगी यहाँ पे। और यहाँ पर जो रेगुलर मॉल से ज़्यादा हाई प्राइजेस थी, यहाँ पर हर चीज़ की जो थी काफ़ी हाई अमाउंट लग रही थी। और इस मॉल के अंदर जो है ज़्यादातर जो है वो टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिस्ट के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है, और हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और मैं हाई अमाउंट इस लिहाज से कह रही हूँ कि जैसे अगर आपने कोई एक शर्ट ख़रीदी कोई रेगुलर स्टोर से, और यहाँ से अगर कंपेयर करें तो 2 times मल्टीप्लाई कर ले उसको, तो इसलिए थोड़ी हाई अमाउंट लगेगी आपको, डिफरेंस बहुत लगेगा, दैट्स व्हाई। You to check in with us. You check in the front with anybody with an iPad and they'll sit you back down about 15 minutes, okay? और हम लोग यहाँ पर जब आए तो हमें दोबारा बार बार हमें यहाँ पर वेट करना पड़ा, और क्योंकि दोबारा इन्होंने अनदर 15 मिनट हमें दे दिए,
और आए तो हम अपॉइंटमेंट के हिसाब से ही थे, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि रश बहुत था, इस वजह से हमें दोबारा 15 मिनट इन्होंने हमें वेट करने के लिए दिए। तो फिलहाल तो ऐसा बैठा जा नहीं रहा था, तो फिर हम दोबारा खड़े हो गए, दोबारा कहीं ना कहीं वॉक करने लग गए कि अराउंड मॉल देखते हैं क्या है। चलने के बाद जो थी फिर सबको भूख लगने लगी, तो फिर बच्चों ने भी कहा कि फ्राइज खाना है, तो फिर सबके लिए फिर हमने फ्राइज कर लिए। और मॉल के जो चीज़ें फ्राइज होते हैं वो इतने ज़बरदस्त होते हैं, इतने यमी होते हैं, जब वो गरम गरम होते हैं तो खाने का इतना ज़बरदस्त मज़ा आता है। और ये बच्चों के और हम सबके ही फेवरेट हैं, एक्चुअली सबको ही पसंद होते हैं। ये जो वीडियो है ये आज आपको थोड़ी हिलती भी नज़र आएगी, क्योंकि ये मैंने बिना कट किए कंटिन्यू बनाई है, तो इसलिए आज आप थोड़ी इसी टाइप की वीडियो देखेंगे आज।
یاد آیا کہ مجھے گلاسز لینے تھے کیونکہ میرے گلاسز کے بغیر مجھ سے باہر نکلا نہیں جاتا دھوپ میں, تو اٹس ویری امپورٹنٹ فار می. تو میرے پاس آلریڈی جو گلاسز تھے وہ تھوڑا سے اولڈ ہونے لگے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑا گلاسز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. تو پھر اس شاپ پہ ہم آئے یہاں پر. اور وہاں سے گلاسز لینے کے بعد پھر دوبارہ ہم لوگ اس جگہ آ گئے ہیں فون کے لیے. تو ابھی جو ہے یہ لوگ آئی ڈی وغیرہ پوچھ رہے ہیں اور آئی ڈی وغیرہ ہم ان کو بتا رہے ہیں, لیکن اسٹل جو ہے وہ کام نہیں ہوا ہے. آئی تھنک ہمیں دوبارہ آنا پڑے گا. تو اب یہ ہے کہ نیکسٹ ڈے کی انہوں نے اپائنٹمنٹ دی ہے, تو دوبارہ آ کے پھر اس کو آئی ڈی کو کھلوائیں گے. گھر کی طرف جا رہے تھے, تو یہ لیے تھے میں نے دو گلاسز, یہ مجھے اچھے لگے تھے. ایک بلیک میں لیا تھا, ایک براؤن میں لیا تھا. یہ تھی میری آج کی ویڈیو, آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اور اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. تھینک یو, تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ, بائے, ٹیک کیئر.